हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। हम पढ़ रहे थे पाठ 14, काला हिरण, है ना। अब हम इसका आगे का पढ़ेंगे। शिकारियों ने समझा कि हिरण मैदान की ओर निकल गए हैं, वे दूसरी तरफ चले गए। हिरणों पर आई मुसीबत टल गई। राजकुमार ने काले हिरण को देख लिया था। वह काले हिरण की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यह तो सचमुच ही अद्भुत हिरण है, राजकुमार ने मन में सोचा। राजकुमार काले हिरण को जीवित पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए और वह उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ा। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिया। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरण आता दिखाई दिए कुछ ही देर में शिकारियों को हिरण आते दिखाई दिए। क्या हुआ, राजकुमार जो था वो काले हिरण की सुंदरता को देखकर क्या हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था। वो उस मोहित हो गया था उस अद्भुत हिरण को देखकर। तो वह उसे क्या करना चाहता था, जीवित ही पकड़ना चाहता था। तो उसने एक योजना बनाई और वह दूसरे दिन कुछ चतुर शिकारियों को, चालाक शिकारियों को लेकर कहाँ गया, जंगल में गया। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ा। क्या हुआ, शिकारियों ने उन हिरण को आते हुए देखा तो वो कहाँ छुप गए, झाड़ियों के पीछे, है ना। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था। काला हिरण कहाँ चल रहा था, झुंड के आगे आगे चल रहा था। वह नेता जो था जो हिरण, काला हिरण था, वह हिरणों के झुंड का नेता था। इसलिए वो कहाँ चल रहा था, आगे आगे। शिकारियों को देखकर हिरणों में भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में काला हिरण जाल में फंस गया। काले हिरण को जाल में फंसा देखकर बाकी हिरण भी रुक गए। सारे हिरण घेरा बनाकर काले हिरण के पास आकर खड़े हो गए। क्या हुआ, शिकारियों को देखा तो वहाँ पे हिरणों के झुंड में क्या मच गई, भगदड़ मच गई। पर उस भगदड़ में क्या हुआ, वो काला हिरण तो जाल में फंस गया और राजकुमार तो काले हिरण को ही पकड़ने आया था ना, है ना। तो वो काला हिरण जाल में फंस गया। पर जब उन हिरणों ने उसको देखा कि हमारा नेता जाल में फंस गया है, तो वो क्या करे, वो बाकी सब भी वहाँ पर रुक गए। और वो रुक कर कहाँ आ गए, उस काले हिरण के पास आकर खड़े हो गए। जानवरों की एकता का एक अद्भुत दृश्य था। उसी समय हिरनी झुंड से बाहर कर निकली। उसमें क्या था, एकता का, ऐसा नहीं कि उनका नेता जाल में फंस गया और बाकी हिरण क्या हो गए, भाग गए। उन्होंने ऐसा नहीं करा, वो भी अपने नेता के पास आकर खड़े हो गए, है ना। और उसी समय हिरनी झुंड से बाहर निकली। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थी। वह धीरे धीरे हिरण के पास आई, प्यार से उसे सहलाने लगी। मुख पशु कहता भी क्या, पशुओं को बोलना आता है क्या, नहीं। तो वह कहता भी क्या, वो तो केवल अपना प्यार व्यक्त कर रहे थे। राजकुमार भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके पास जाने से हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी हिरण को सहलाती रही। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। जानवरों की एकता और हिरनी का, हिरनी के प्रति प्यार देखकर राजकुमार का हृदय पिघल गया। काले हिरण को छोड़ दिया गया। देखते देखते हिरणों का झुंड आगे आंखों से दूर हो गया। राजकुमार और उसके साथी वापस लौट आए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काला हिरण राजकुमार के बगीचे में आया। राजकुमार की आंखें खुल गई। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। सचमुच काला हिरण और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में गया। उसने हिरण हिरनी को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक दोनों राजकुमार के पास ही खड़े रहे।
फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गए। उस दिन के बाद वे दोनों प्रतिदिन राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। जंगल के सभी जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे। संदेश: पशु पक्षियों में भी अपनेपन व एकता की भावना होती है। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? आपको ये कहानी पढ़ना है, इसके जो कठिन शब्द है उनको अपनी रफ कॉपी में लिखकर मुझे बताना है, ठीक है? इसके अगली कक्षा में हम इसके शब्दार्थ और इसके प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।